आप देख रहे हैं आईबीएन 7 की खास पेशकश विवादित बाबाओं पर। दिल्ली में भीमानंद, इच्छाधारी संत स्वामी भीमानंद चित्रकूट वाले के नाम से अपना धंधा चमका रहा था। अपने परिचय में उसने जानबूझकर धर्मनगरी चित्रकूट का नाम जोड़ रखा था। भीमानंद यहां से नौकरी की तलाश में दिल्ली आया था, लेकिन देखते ही देखते जिस्म फरोशी के धंधे का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। दिल्ली में हुई कमाई का इस्तेमाल उसने अपने गांव में बड़ा रुतबा बनाने के लिए भी कैसे किया, देखिए। धर्मनगरी चित्रकूट, कहते हैं कि यहीं राम सीता ने 14 साल के वनवास के 11.5 साल बिताए थे। यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। ये बात है सैकड़ों साल पुरानी, लेकिन करीब 23 साल पहले इसी धर्मनगरी से इच्छाधारी नाम वाला एक शख्स निकला और दिल्ली पहुंच गया। काम की तलाश में वो नेहरू प्लेस के एक 5-स्टार होटल में सिक्योरिटी गार्ड बना, फिर पहुंचा लाजपत नगर के एक मसाज पार्लर में, जहां उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिला। 1997 में वो पहली बार देह व्यापार में पकड़ा गया। राजीव रंजन के खिलाफ अभी तक 4 केस कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश हुए हैं। 1997 का लाजपत नगर का केस है, 1998 का बदरपुर का केस है, 2003 का केस आईटीपी एक्ट का, और इसमें बाद में गैंगस्टर एक्ट भी लगा है। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए उसने दाढ़ी मूछ बढ़वाई, भगवा चोला पहना और इच्छाधारी संत स्वामी भीमानंद जी महाराज चित्रकूट वाले बन गया। उसने खानपुर में साईं बाबा मंदिर बनवाया और प्रवचन देने लगा। सेक्स रैकेट चलाने का उसका अपना एक तरीका था। जब उसे कोई फोन करता था तो वो जय श्री राम कहकर अपनी बात शुरू करता था। अगर सामने वाला धार्मिक शख्स होता था तो वो धर्म की बात करता था, लेकिन अगर सामने क्लाइंट था तो इच्छाधारी अपने धंधे की बात पर उतर आता था। अगर इसको लगता था कोई जेन्युइन साई भगत है तो उससे उसी टोन में बात करता था, लेकिन अगर इसको लगता है कि जो इसकी वेबसाइट के जरिए इसने अपना नंबर दे रखा था, अगर इसको लगता था कि इस आदमी का इंटरेस्ट किसी और चीज में है, तो उससे उसी टोन और लहजे में बात करता था। जिस्म फरोशी के पैसे से उसने धर्मनगरी चित्रकूट में 200 बेड का अस्पताल खड़ा किया, कई शहरों में करोड़ों के आश्रम बनाए। वो महंगी कारों का शौक रखने लगा। चित्रकूट के मानिकपुर कस्बे के चमरोहा गाँव में उसकी धूम हो गई। यहीं पर उसके पिता बच्चालाल द्विवेदी परिवार समेत रहते हैं। पुलिस के मुताबिक मोटा पैसा कमाने के बाद बाबा विदेश में ही बस जाना चाहता था, इसलिए उसने पासपोर्ट भी बनवाया था, लेकिन पुलिस ने उसकी जायदाद जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। पाप के पैसे से खुशी खरीदने की कोशिश उसे कालकोठरी तक खींच ले गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीएन 7।